हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशल्या 004 व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब घर पे सब्जी में लौकी लेकर आए थे, पर लौकी की सब्जी आज सबको अच्छी नहीं लगती है, सब लोग नखरे करते हैं, इसीलिए लौकी के मुट्ठे बनाना स्टार्ट किया। लौकी के मुट्ठे कड़ी के साथ में सबको पसंद आते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि सब्जी नहीं बना के इसके मुट्ठे बना दिए जाए। तो फिर मैंने लौकी को छिल के एक तरफ रख दिया था काट के, और फिर मैंने कड़ी स्टार्ट कर दिया बनाना। और मैंने फिर दही पड़ा था, घर का बना हुआ दही था, तो उसको पहले बेसन डाल के घोल तैयार कर दिया था। और फिर कड़ी बनाने के बाद में मुट्ठियों में थोड़ा टाइम लगता है जितने कड़ी भी पक के तैयार हो जाएगी, इसलिए मैंने कड़ी का छोंक पहले ही लगा लिया। ये कड़ी हमारी बन गई है, अब इसको उबलने देते हैं जितने मैं मुट्ठियों के बनाने की तैयारी करती हूँ। तो उसके लिए मैंने लौकी को पहले ही छिल के रख दिया था, और फिर मैंने जो लौकी मुट्ठियाँ बनाने का बर्तन होता है, जो कुकर होता है, उसको अच्छे से धो दिया था। और उसके बाद में उसके अंदर पानी डाल के उसको गैस पे चढ़ा दिया ताकि इसमें भी पानी उबलता रहेगा और ये थोड़ा सा हीट कर गर्म हो जाएगा, उससे मुट्ठे फटाफट से बन जाएंगे। फिर एक तरफ मैंने मुट्ठे बनाने के लिए आटे को छान लिया, आटे में वो जो घिसी हुई सारी लौकी थी वो डाल के सारा मुट्ठियों का मसाला आटे में मिक्स कर दिया मैंने। और फिर मैंने एक तरफ आटा गूंदना भी स्टार्ट कर दिया, एक तरफ पानी भी गर्म हो रहा था और कुकर गर्म हो चुका था, इसलिए मैंने गैस को थोड़ा स्लो कर दिया। उसके बाद में फिर मेरी कड़ी बनकर स्टार्ट हो तैयार हो गई थी, तो मैंने कड़ी को गैस से उतार दिया था और मुट्ठियों को एक से एक एक करके उनको शेप में करके और कुकर में पकने के लिए चढ़ा दिए थे। आटा थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए दीदी भी हेल्प कराने आ गई थी, उससे फटाफट काम हो गया था। 15-20 मिनट के बाद गैस पर उबलने के बाद लौकी के मुट्ठे अच्छे से पक गए थे, खुशबू आने लग गई थी। फिर मैंने उन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था, और फिर सारे मुट्ठे कट के तैयार उन प्लेट में ले लिए थे, फिर उनको खाने की तैयारी कर ली थी। तो फिर उनको थोड़े थोड़े करके मैंने उनको छोंक लगा के अच्छे से तेल में फ्राई कर दिए थे, और तिल और कड़ी पत्ते धनिया डालकर उनको थोड़ा तड़का लगा दिया था। इधर मेरी कड़ी भी देखो बनकर, कड़ी भी अच्छे से तैयार हो गई थी और ये डिश मैंने तैयार कर दी। आई होप आपको ये डिश पसंद आई होगी।